नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरिया जिले के पाली SDM नीलांबर मिश्रा व उनके सैनिक चंद्रभान को लोकायुक्त टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बताया गया है कि फरियादी खगेंद्र सिंह व बिमलेश पांडे से इन्होंने क्रेशर संचालित रखने की एवज में पैसे की मांग की थी, जहां लोकायुक्त से शिकायत करने पर यह कार्रवाई की गई। बहरहाल इस मामले को SDM नीलांबर मिश्रा ने गहरी साजिश बताया है। ये तो मुझे नहीं पता कौन फंसा रहा है, और जो हमारी नौकरी रहती है इसमें कितने दुश्मन रहते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं नहीं पता होता, और किसने साजिश की है तो मुझे नहीं पता, पर साजिश जरूर की गई और लंबी साजिश की गई। मैंने अपनी पिता बताया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सर ने कहा ये तो गलत बात है। तो 15 तारीख के बाद हम 16 तारीख को आए, 15 को ही रात में आ गया था, 16 तारीख को आए उनके लोकायुक्त के आदमी, तो 16 को नहीं हो पाया, 17 को चेकिंग हुई, सर ने बात किया मेरे से, कहा कि 17-10 हज़ार रुपया महीना देना पड़ेगा महीने में आपको। मैंने कहा बरसात का समय था, तो बोले 5,000 दे भाई। मैंने कहा सर सारे नहीं हो, सरतों से बात नहीं दे रहे। किसने मांग की थी? SDM ने मांग किया था, श्री नीलांबर मिश्रा जी ने। हमारे लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के पास शिकायत की गई, शिकायत का सत्यापन किया गया, सही पाए जाने पर रेप की कार्रवाई आयोजित की गई। इसके लिए पूर्व में रिकॉर्डिंग कराई गई थी, रिकॉर्डिंग में जब उसने कहा कि बरसात में कृषण नहीं चलती कम चलती है, तो उन्होंने कहा बरसात में 5,000 दे देना, और आज रंगे हाथ लेते हुए पकड़े गए। उसने जब रिश्वत देने की बात की तो इनके द्वारा कहा गया कि हमारे सैनिक चंद्रभान को दे दीजिए, फिर चंद्रभान को बुला के बताया कि तुम इनसे 5,000 रुपये ले लेना, और चंद्रभान से डिलीवरी हुई तो उसकी कार्रवाई की जा रही। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।